नमस्कार, बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले नालंदा से। अगर एक बेटी शिक्षित हो जाए तो कई पीढ़ियां भी शिक्षित हो जाती हैं। इसी का संदेश देने के लिए सरकार द्वारा भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समेत अन्य जागरूकता के संदेश दिए जा रहे हैं, ताकि बच्चियों को घर की चार दीवारी में कैद न कर उसे भी उड़ान भरने दे। उक्त बातें बिहार थाना की सब इंस्पेक्टर शकुंतला कुमारी ने बिहार शरीफ के संत ज्वेरियर्स गर्ल्स स्कूल में आयोजित विदाई समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है, खासकर बच्चियों को। उन्होंने बच्चियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर पर्वतारोही मिताली प्रसाद ने छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आज से आपके कैरियर की नई शुरुआत होने जा रही है। लक्ष्य का निर्धारण कर अपने भविष्य के बारे में सोचें और मन से मेहनत करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम यू कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे। आपके तालियों बहुत अच्छा करके बच्चों को मोटिवेट किए और इसमें एक जल जीवन हरियाली का भी मैंने संदेश के लिए एक प्रोग्राम दिया है, ताकि नालंदा वासियों को हमेशा हम चाहते हैं कि ये हरा भरा रहे हमारा नालंदा जिला, और इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। मैं सभी बच्चियों को आशा दिलाता हूं कि बहुत जल्द हम भी प्लस टू करने वाले हैं, और इसके लिए वो अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं और ला करके अपने जिला अपने स्कूल की शोभा को बढ़ाएं, मान को बढ़ाएं। नालंदा की धरती का इतिहास आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। शुरू से ही यह धरती शिक्षा के क्षेत्र में काफी अग्रणी रही है। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम कौन नहीं जानता। जो नालंदा शहर को जानता है वो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम भी जानता है। तो आज बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ आकर आप बच्चियों को देखकर। बड़ी बात है, एक ऑनर के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राजधानी पटना के निर्माणाधीन आर ब्लॉक दीर्घा पथ के न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित त्रुटिपूर्ण नाला निर्माण के कारण न्यू पाटलिपुत्र स्थित अधिकांश घरों में जल जमाव हो रहा है, जिसके कारण वहां के लोगों ने इसका विरोध किया। ये आपके लिए गर्व की बात होगी कि आपने अपने कॉलोनी को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान दिया है। कृपया हमारे कॉलोनी का कोई थोड़ा भी पानी उस नाले में नहीं। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने माघी पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान हाथी देह में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखा, जबकि बेगूसराय में ढीला ढाला और इस कारण भगदड़ भी मची, जिसमें तीन व्यक्तियों के मरने की अफवाह उड़ी, परंतु एक महिला बुरी तरह जख्मी हो गई थी, जिसे चकिया थाना अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने अस्पताल पहुंचाया। और इस घटना के बाद कई थानों की पुलिस सिमरिया में तैनात की गई। गनीमत रही कि इस भीड़ में एक बुजुर्ग महिला के अतिरिक्त किसी के हताहत की सूचना नहीं है। अपने घर को जाए। ट्रेनों का भी स्टॉपेज बढ़ाया गया है। जी हाँ, ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाया गया है। जब तक मैसेज दिया गया क्या आज माघी पूर्णिमा में कारण सिमरिया घाट गंगा स्नान के लिए पसंदीदा रस मेला के लिए एक दो मिनट एक्स्ट्रा गाड़ी को रोका जा रहा है। एक दो मिनट गाड़ी को एक्स्ट्रा रोका जा रहा है। हाँ, इसके लिए यात्री सुरक्षित चढ़ सके या उतर सके,
इसके लिए हर एक गाड़ी अप और डाउन थ्रू गाड़ी को स्टेशन लिमिट में सीटी बजाते हुए बीसी बजाते हुए क्वेश्चन पर 30 किलोमीटर जाते। राजधानी पटना में प्रदेश जनता दल यूनाइटेड महादलित प्रकोष्ठ कार्यालय में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 43वीं जयंती समारोह मनाया गया। आपको बता दें कि कार्यालय में उपस्थित जदयू महादलित प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रुबेल रविदास की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं महादलित प्रकोष्ठ के पटना महानगर अध्यक्ष राजू रजक और अन्य कार्यकर्ताओं ने रविदास की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। संत शिरोमणि रविदास जी का पूरे भारत में इनकी जयंती मनाई जा रही है और यह भारत का जो सपना था, हमारे महापुरुषों की जो सपना था कि भारत में एक सुंदर समाज का निर्माण हो, समाज में जो छुआछूत है उस चीज़ को मिटाकर समाज में समानता के लिए जो लड़ाई लड़े, जो गैर बराबरी के आधार पर समाज की जो संरचना था उसको बराबरी लाने के लिए संत रविदास जी ने हमेशा अपने जीवन में संघर्ष किया। और आज बिहार के अंदर में माननीय नीतीश कुमार जी ने उन्हीं महापुरुषों की सपना को साकार करने के लिए बिहार में जो विकास की जो गति बढ़ा है वो हमारे महापुरुषों की सपना साकार करने के लिए अग्रसर माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कि काम जो है कि कर रहे हैं। हम लोग जो रविदास जी की जयंती मना रहे हैं ये कोई धर्मनिष्ठता की बात नहीं है। हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, किसी धर्मनिष्ठता की बात नहीं करते हैं। पूरे समाज के साथ, पूरे एकजुटता के साथ काम करते हैं। इनका कोई जात पात का भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग के लेके एक साथ चलने का काम करते हैं। और जो हम लोग का ये उपदेश था संत रविदास जी का, उसी उपदेश पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चलने का काम कर रहे हैं। गया शहर के विष्णु भवन हॉल में जदयू महानगर अध्यक्ष विनोद कुमार जया उर्फ विनोद कुमार प्रजापति के नेतृत्व में बूथ अध्यक्ष एवं बूथ सचिवों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य 12 फरवरी को अशोक अतिथि निवास भवन में एक बूथ अध्यक्ष एवं बूथ सचिव को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी की विस्तार एवं मजबूतीकरण की जाएगी। आपको बता दें कि 12 फरवरी को पार्टी के प्रदेश वक्ताओं ने बूथ अध्यक्ष एवं बूथ सचिवों को प्रशिक्षण देंगे। जदयू जिला महानगर अध्यक्ष विनोद कुमार जया उर्फ विनोद कुमार प्रजापति ने नए उपाध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा एवं सुनील कुमार मोहित को महासचिव पद का प्रशस्ति पत्र देकर एवं माला पहनाकर पार्टी की नई जिम्मेदारी दी। गया कमेटी जिला अध्यक्ष महानगर बिहार विनोद कुमार जिया जी और यहाँ उपस्थित हमारे प्रिय मित्रों, बड़े भाई, हमारी बहन, सभी को मेरा प्रणाम। मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं कुमार गौरव गौरव सिन्हा निवासी साउथ विसार तलाब गया का हूँ। इससे पूर्व मैं जन अधिकार पार्टी जिसके अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी थे उस पार्टी में जिला अध्यक्ष था। मैं हरिशाखा दृष्टि संस्था भागलपुर के तत्वाधान में नवयुवक सेवा संघ के संस्थापक सह लोकप्रिय समाजसेवी राजेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में तारापुर प्रखंड नवयुवक सेवा संघ कार्यालय में निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। भागलपुर से आए डॉक्टर अमित कुमार और जूनियर डॉक्टर प्रिया पांडे के द्वारा लोगों का नेत्र जाँच किया गया। मुंगेर जिले के तारापुर में रसोइयों की बैठक की गई। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंटू चौधरी के नेतृत्व में किया गया। आपको बता दें कि रसोइयों के द्वारा पटना के गर्दनी बाग में 17 से 18 मार्च तक रसोइयों का भुखमरी रैली के लिए आह्वान किया गया, जिसके पहले 14 फरवरी को मुंगेर जिला के डीएम का घेराव करने पर भी विचार विमर्श किया गया। उद्देश्य क्या है, कुछ हम लोग भी हासिल करना चाहते हैं। यह 30 रुपया हम किसी को पोसाए नहीं पड़ता है,
कोई भी भोज भंडारा करता है उसको 10,000, 7,000, 8,000 देता है एक दिन के लिए। हम लोग 300 दिन उनका भोजन बनाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए या सरकार को क्या समझ नहीं है कि किसी की माँ बहना का हर काम करके ही लोग स्कूल जाती है, छोटा छोटा बच्चा को छोड़ छाड़ के घर में छोड़ के इतना 7 घंटा काम करती है, किसी स्कूल में 5 घंटा है, सब स्कूल सब तरह है, तो क्या उनको वेतन नहीं लागू होना चाहिए। उद्देश्य है कि हमारा जो राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट है, रसोईया को सबसे न्यूनतम माने 1500 रुपये महीने मिलता है, आप समझ लो 40 रुपये मिलता है। हम लोग पटना हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं, जो कि हमारा केस संख्या CWJC केस संख्या 18288 2018 अगस्त में हुआ है। केस लड़ने के लिए हमें कोई फंड नहीं देता है, तो हमारी जो रसोईया माँ बहनें हैं इन्हीं द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन कार्ड बनता है और केस लड़ने के लिए जो चंदा होता है, चूँकि सारे संगठन जो टीचर संघ है वो सब लोग लेते हैं। और हम लोग 14 फरवरी को मुंगेर में जिला अधिकारी का घेराव है और 17, 18, 19 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में विशाल रसोइयों का भुखमरी रैली है। बेगूसराय में पुलिस मुख्यालय के आदेश पर हर माह उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में जनवरी 2020 में बेगूसराय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सब इंस्पेक्टर दिवाकर प्रसाद सिंह का चयन किया गया है, जिन्हें बेगूसराय के SP अवकाश कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दिवाकर प्रसाद सिंह वर्तमान में साहेबपुर कमाल थाना में कार्यरत है, जहां जनवरी महीने में दिवाकर प्रसाद सिंह के द्वारा कई नामचीन अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ शराब तस्करों पर भी नकेल कसते हुए भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई थी। इतना ही नहीं, दिवाकर प्रसाद सिंह के द्वारा जनवरी में गांजा जैसे मादक पदार्थों की भी रिकवरी की गई थी। बेगूसराय में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं पदाधिकारी या हमारे पुलिस के जवान, उनको पुरस्कृत करते हैं प्रशस्ति पत्र और नगद राशि से। जनवरी 2020 के लिए इसके लिए साहेबपुर कमाल थाना के अपर थानाध्यक्ष विधि व्यवस्था दिवाकर सब इंस्पेक्टर को इसके लिए चिन्हित किया गया है। विगत वर्ष इनके द्वारा कड़ी मेहनत से न सिर्फ वहाँ के विधि व्यवस्था के संधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, बल्कि अपराधियों की गिरफ्तारी छापेमारी में भी इनका बहुत बहुमूल्य योगदान रहा, जिसके कारण लास्ट ईयर साहेबपुर कमाल थाना में कांडों का निष्पादन में बहुत तेजी आई है और इनके द्वारा कई शराब की खेपें भी अवैध बरामद की गई, गांजा की रिकवरी भी की गई और कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी में भी बहुमूल्य योगदान दिया गया। इसके लिए इनको लास्ट मंथ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस पदाधिकारी के रूप में बेगूसराय जिला में चिन्हित किया गया। बेगूसराय में माघी पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने के दौरान एक युवक डूब गया। घटना बलिया थाना क्षेत्र के हुसैनी चक गंगा घाट की है, जहां मनसेरपुर गांव निवासी संतोष कुमार गंगा स्नान कर हुसैनी चक गंगा घाट गया था। स्नान के दौरान ही संतोष कुमार गहरे पानी में चला गया, जिससे वह डूब गया। हालांकि डूबते देख लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। स्थानीय गोताखोरों की सहायता से संतोष के शव की तलाश की जा रही है, हालांकि अभी तक उसका शव बरामद नहीं किया जा सका है। घटना के बाद संतोष के घर पर मातमी सन्नाटा छा गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब चिंता नहीं करो, चिंता करा से घुट बेटा के सुनाती आ देख ले या तामा बाप कर दे तो सवारे आया मैं आ मोतिहारी के पकड़ी दयाल के मदरसा में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें 17 फरवरी से राज्य कर्मी की दर्जा एवं अन्य मांगों के समर्थन में हो रहे हड़ताल को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही BRPS प्रखंड इकाई की रिक्त पदी अध्यक्ष पद पर कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह को सर्वसम्मत से चुना गया। राज प्रारंभिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन में जिला पदाधिकारियों के निर्देश पर प्रखंड परिसर स्थित आरटीपीएस काउंटर पर जीवन प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रीपुर पंचायत के लगभग 300 से अधिक वृद्ध विधवा एवं दिव्यांग पेंशन धारियों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण करने के लिए जैसे ही काउंटर पर पहुंचे लेकिन सर्वर डाउन तथा कर्मियों के द्वारा कार्य में गति नहीं देने से पेंशनधारी मायूस होकर वापस लौट गए। पंचायत स्तर पर लोगों को सुविधा देने की बात कर रही है लेकिन प्रखंड स्तर पर गरीब असहाय को बुलाया जा रहा है और सरकारी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सिस्टम पर जो लोग हैं वे भी मजबूर है, वो कहते हैं कि सर्वर डाउन रह रहा है। ऐसे स्थिति में लोगों को बुलाकर परेशान करना यह ठीक नहीं नजर आता है। सरकार को जब पंचायत स्तर पर सभी व्यवस्था पंचायत सरकार भवन में मुहैया कराई गई है तो नेटवर्क से लेकर सभी वैसे लोगों का व्यवस्था कराया जाए जिससे कि आसानी से गरीब लोगों का काम चल सके। यह कौन सी सिस्टम है कि पैसा खर्च करने पर नेटवर्क सही हो जा रहा है और वही सरकारी सिस्टम में नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। आज अगर इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए बिहार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।